लाल किताब हमारे जीवन के लिए उतना उपयोगी है जितना हम सोच भी नहीं सकते। शायद ही लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन लाल किताब में ना दिया गया हो। ऐसा भी कोई उपाय नहीं होगा जो कभी ना कभी आपने सुन नहीं रखा होगा, सबने सुन रखे होंगे, लेकिन जरूरत है तो उन उपायों को फॉलो करने की। तो आज आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे 5-7 उपाय बता रही हूं जो हो सकता है आपने पहले सुन रखे हो, लेकिन अब सुनने का टाइम नहीं है, अब फॉलो करने का टाइम आ गया है। यानी कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर सब कुछ स्मूथ भी चल रहा है ना, तब भी इन उपायों को करते रहिए, जीवन आसान बना रहेगा। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो जो उपाय आज मैं बताने जा रही हूं, इन उपायों को करना आपको शुरू कर देना है। पहला उपाय, लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस, बंधन बहुत ज्यादा बन गए हैं, हर तरफ से काम में रुकावटें और बाधाएं ही आ रही हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो लाल किताब का पहला सटीक उपाय सब लोग फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय तो समय समय पे सबको करना चाहिए। क्या करना है, तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें पानी भरें और रात को सिरहाने रख के सो जाएं। ठीक है, हर तरह की निगेटिविटी, बाधाएं जो भी होंगी वो इससे रिमूव होने लगेंगी। बड़ा आसान सा उपाय है, सब कर सकते हैं, सबके घर में तांबे का लोटा होता ही है क्योंकि हम जल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तांबे के लोटे का ये वाला जो जल वाला उपाय है सब लोग कर लें, जैसी भी बाधाएं होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। जल भरे, पानी भर लें उसमें, रात को अपने सिरहाने नीचे बिस्तर के वहां पे रख के सोएं। सुबह जब उठे तो उस पानी को या तो तुलसी में डाल दें या घर से बाहर कहीं फेंक दें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उपाय ऐसा है जो हर तरह की बाधाओं को रिमूव कर देगा। तो कुछ दिन तक ये उपाय जरूर कर दें, कम से कम 21 दिन ये उपाय कर लें, या तो आप 11 दिन ये उपाय कर लें, हर तरह की निगेटिविटी जो होगी वो छटनी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसके काम रुक रहे हो, आप उसके साथ ये उपाय करना सब लोग शुरू कर दें। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय है ईश्वरीय मदद, देवीय मदद, देवीय शक्तियां आपको मदद करने लगे, उसके लिए एक ऐसा उपाय है जो है तो लाल किताब का, लेकिन हमेशा सबको फॉलो करते रहना चाहिए। जब भी कहीं शमशान के पास से गुजरें तो क्या करें, सिक्के लेकर वहां पर डाल दें और वापस पलट के नहीं देखना, आगे चलते जाना है। इस उपाय से हर तरह की बाधाएं हटेंगी, इस उपाय से आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, इस उपाय से आपको ईश्वरीय और देवीय शक्तियां मदद करने लगेंगी, देवीय कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है अगर इस उपाय को आप करते हैं। ठीक है, तो ये उपाय आप सब लोग भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस नियम बना ले, स्पेशल भी नहीं जा पाते तो कोई नहीं, नियम बना ले, जब भी कहीं हम शमशान भूमि के पास से गुजरेंगे, जो सिक्के हैं सिक्के निकाल के हम उधर की तरफ फेंक देंगे, पलट के देखना नहीं है, सीधे चलते चले जाना है। तो ये उपाय करके देखिए, जीवन सुलभ होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास उपाय है। तीसरा उपाय बता रही हूं, सब जानते हैं, जन्म से लेकर अब तक हम सभी लोग इस उपाय को जानते ही हैं। इस उपाय में गाय, कुत्ते, कौए, चींटियां, पशु पक्षी जितने भी हैं, इनके खाने और पीने की व्यवस्था करते रहिए। कौन इनको पानी देगा ये बताइए आप, अगर हम नहीं देंगे तो इनको कौन खाना देगा, कौन इनको पानी देगा? तो इसको उपाय की तरह ना समझ के अपना फर्ज समझ के करिए कि जब भी जो जानवर भूखा दिख जाए, आप कुछ भी ना करें, आपके घर के बाहर ही हर स्ट्रीट में, चाह कर हो नहीं चाह कर भी, कम से कम इंडिया में तो हर स्ट्रीट में आपको कुछ ना कुछ डॉग्स बैठे हुए मिल ही जाएंगे। आप बताइए वो खाना कहाँ से खाएंगे अगर आप नहीं खिलाएंगे? आप चाहे उसे अपना धर्म समझ के कर लें, चाहे केतु का प्रतीक है कुत्ते, आप वो समझ के कर लें, और चाहे तो आप ये सोच के कर लें कि आपके घर के बाहर कोई भूखा बैठा हुआ है। तो नियम बना लें कि गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाते रहिए, आपके गुरु मजबूत रहेंगे, लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा रहेगा। गौ जब भी दिख जाए, गौ माता दिख जाए, एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ रख के उनको खिला दीजिए, गौ माता खुश होकर आशीर्वाद देंगी। साथ में घर के बाहर जो भी आपको स्ट्रीट में दिख जाए, कुत्ते दिखते हैं, आप रोटी ले लें। मैं जानती हूँ कि रोटी सूखी नहीं खाते हैं, वो भी सूखी रोटी जैसे हमको नहीं पसंद है उनको भी नहीं पसंद है, तो आप क्या करें, थोड़ी सी मलाई लेकर लगा दीजिए ना, थोड़ा सा दही लेकर लगा दीजिए, देखिए कितना शौक से खाएंगे। दही रोटी तो बहुत खाते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं रोज खिलाती हूँ। ठीक है, तो आप रोटी में दही लगाइए, दूध लगा दीजिए, थोड़ा सा मलाई लगा दीजिए, बड़ा शौक से खा लेते हैं। तो
बाहर जो बैठा है उसको भूखा मत छोड़िए। जाने अनजाने लाल किताब का ये उपाय आप फॉलो कर देंगे, साथ में पक्षियों के लिए छोटे छोटे बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, उनके लिए दाने रख दीजिए, चींटियों के लिए चीनी डालते रहिए, आप देखिए आपको कैसे फर्क आता है आपके लाइफ में। तो ये है लाल किताब के बड़े सटीक उपाय जो बचपन से सब सुन रहे हैं पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करना है। तो ये हो गए तीसरे उपाय। चौथा उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आप जानते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, यहाँ पर कुछ कमी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मोटा मोटा सबको पता रहता है कहाँ पर क्या भूल है, वास्तु दोष अगर जानते हैं तो रेवड़ी ले लें, बताशे ले लें, ठीक है, इनको लेके बहते हुए पानी में कहीं नदी है वहां पर इसको बहाने का नियम बना लें, जब समय मिल जाए तब करते रहिए इस उपाय को। ज्यादा देखिए, मैं आप लोग बोलते हैं बहता हुआ पानी नहीं है, मैं इतना जानती हूँ आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना तो हर शहर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसपास मिल ही जाता है, तो आप बहते हुए पानी नहीं तो जब कहीं जा रहे हैं रास्ते में आपको कहीं ना कहीं बहता हुआ पानी मिलेगा, इस उपाय को करते जाइए। रोज करना या हफ्ते के हफ्ते करना भी जरूरी नहीं है, आप साल में जितने बार भी कर पाए, 4-6 बार वो बहुत है, तो आप ये उपाय कर लें, रेवड़ी और बताशे लेके बहते हुए पानी में बहा दें, मन में ये मंशा रखें कि हे ईश्वर मेरे घर में जो भी वास्तु दोष है उनको दूर कर दो और घर में मेरे सुख समृद्धि रहे। तो ये उपाय लाल किताब का ये उपाय बहुत पावरफुल है, वास्तु दोष के जो भी आपको निगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा होगा वो नहीं पड़ेगा। अगला उपाय है बिजनेस के लिए, काम धंधा बिजनेस चौपट अगर हो गया है, कुछ भी बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी बिक्री नहीं हो रही, आपके कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा हो गए कि आपकी कहीं भी बिक्री नहीं हो रही, ग्राहक नहीं आ रहे, बिजनेस एकदम ठप हो गया है, बिजनेस अगर ठप हो गया है तो जटा वाला ले लें, नारियल सब जगह मिलता है, एक जटा वाला नारियल लेके आए, लाल कपड़े में बांधकर मौली ऊपर से लपेट दें, मौली लपेटकर अपनी दुकान पे रख लें, नीचे नहीं रखना, थोड़ी ऊंचाई पे ऊपर रख लें कहीं भी, 43 दिन तक उस नारियल को अपनी दुकान में रखे रहिए, जहां आपका जो भी बिजनेस पॉइंट है वहां पे रखे रहिए, बंद किया हुआ लपेटा हुआ मौली से, और फिर 43 दिन के बाद उसको बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना है। जो भी बला बुरी नजर निगेटिविटी आपके बिजनेस को ठप कर रही है, रोक रही है, वो दूर होगी और आपका बिजनेस इसी दौरान चलना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए इस उपाय को, लाल किताब के जो उपाय हैं चमत्कारी ऐसे उपाय हैं जो जीवन को बदल देते हैं, तो करिए इस उपाय को, इससे आपका होगा बिजनेस बहुत अच्छा। शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय, सबसे आसान उपाय बता रही हूँ, थोड़ी सी चीनी ले लें और जहां पर चींटियां दिख जाएं, जहां पर चींटियां, कहां पर चींटियां मिलेंगी आपको, आपको पेड़ों की जड़ों में, तलहटी में, घर के आसपास सब जगह दिखती है, थोड़ा थोड़ा उनको खिलाना शुरू कर दीजिए चीनी, खिलाकर देखिए शुक्र कितना मजबूत होता है। शुक्र के लिए आप लोग बहुत उपाय करते हैं, सबसे आसान उपाय कर लीजिए, चींटियों को, पशु पक्षियों को वैसे भी खिलाना है, चींटियों को आप चीनी खिलाते जाइए और देखिए शुक्र कैसे आपका मजबूत होता है और आपको धन दौलत वैभव सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए लाल किताब का ये उपाय करिए। इसके अलावा लाल किताब ने यूं तो भरमार उपाय दिए हुए हैं, लेकिन ये वाला जो और उपाय एक बता रही हूँ ये मैं समय के हिसाब से भी बता रही हूँ, शनि का साल चल रहा है, शनि का अंक चल रहा है, शनि से रिलेटेड रेमेडीज जरूर करिए, ठीक है। वैसे भी इतना चेंजेस आ रहे हैं, उथल पुथल सारे ऑल ओवर वर्ल्ड, इतनी उथल पुथल मची हुई है, प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं और फंक्शुई के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फायर अब टाइम चलना शुरू हो गया है, तो बहुत बदलाव का समय है, तेजी से बदलाव का समय है। 8 का अंक है तो शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए जूते चप्पल दान करते रहिए, जूते चप्पल जैसे आपको चप्पलें समझ में आ जाए आप ले लें। हर मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जरूरतमंद है, अपने ले जाए उनको डोनेट कर दें, आप देखिए कितना अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। शनि देव के मंदिर विजिट करते रहिए इस पूरे साल, उपाय की तो बात अलग है, विजिट जरूर करते रहिए, उनको शनिदेव को जो चीजें अर्पित की जाती हैं, काले तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सारी चीजें उनको अर्पित करके प्रणाम जरूर इस पूरे साल करते रहिए ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जूते चप्पल दान कर दिए, साथ में कटोरी में ले लें तेल सरसों का, उसमें अपनी छवि देखें, अपना चेहरा देखें और उसको वहां जाकर मंदिर पे जाकर आपको डोनेट कर देना है। तो ये है छोटे छोटे उपाय, ये जो लास्ट के उपाय मैंने बताए हैं ये उपाय हैं
वक्त का तकाजा देखते हुए, मीन्स जो शनि का साल चल रहा है उस साल के लिए उपयोगी उपाय हैं। इन सारे उपायों को करते रहिए, लाल किताब के उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। प्यार भरा नमस्ते।